पिछले लेक्चर में मैंने आपको इंटरफेरेंस की परिभाषा, कोहेरेंट सोर्सेज और इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट और इससे जुड़े हुए कुछ डिवाइस जिनकी मदद से इंटरफेरेंस प्राप्त किया जा सकता है उनके बारे में बताया था। इंटरफेरेंस प्राप्त करने का दूसरा तरीका है इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। जैसा कि हम जानते हैं एक वेव y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में a होता है एम्पलीट्यूड परिमाण। अब अगर y ए साइन ओमेगा टी को दो हिस्सों में बांट दिया जाए ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन ओमेगा टी जहां ए वन प्लस ए टू बराबर ए है तो इसका मतलब हमने उस वेव को दो हिस्सों में बांट दिया ए वन और ए टू एम्पलीट्यूड से। इसे कहते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। अब इससे इंटरफेरेंस कैसे प्राप्त किया जा सकता है? माना जैसे चित्र में एक प्रकाश की रेखा अल्फा एंगल पर किसी कांच की प्लेट जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है पर आपतित है। प्रकाश का कुछ हिस्सा बिंदु A से रिफ्लेक्ट हो जाएगा AD डायरेक्शन को और कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा AB डायरेक्शन में जहां जो बीटा है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है और अल्फा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। नाउ द रिफ्रैक्टेड लाइट विच गोज टू बी इज अगेन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर सरफेस बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब संपूर्ण आंतरिक परावर्तन से, क्योंकि अगर बी के नीचे जो मीडिया है फिर एयर या कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन से परिवर्तित हो जाएगा बी सी डायरेक्शन में और बी सी से फिर कुछ परावर्तन होगा और कुछ जो होगा आपतन ये अपवर्तन होगा सी पॉइंट से। तो हम देखते हैं कि हमें फाइनली दो रेज मिलती है रिफ्लेक्शन में, एक बिंदु ए से और एक बिंदु सी से। इन दोनों, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि लाइट रे जो ए पर इंसिडेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, इसका मतलब कि लाइट का एम्पलीट्यूड डिवाइड हो गया। और अब क्योंकि ये लाइट रे जो कि किसी समय पर किसी सोर्स से निकली होगी ये कोहेरेंट है, सो बिकॉज ऑफ दैट कोहेरेंस द बोथ ऑफ टू लाइट रेज दे आर कीपिंग द कोहेरेंस, दैट मीन्स दे आर इन द सेम फेज। नाउ इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम सी टू डी, the light ray which is reflected from point A travels a distance AD more than the light ray which is reflected from the lower surface B, and after the point D and C they will travel equal distances if they are falling on any lens or eye. So there will be a path difference. Now the path difference will be equal to, or the path length difference which we call, will be gamma is equal to n AB plus BC minus AD. Because n is multiplied because it is traveling in the medium of refractive index n. So the optical path which we call will be n AB plus BC minus AD. Now you can apply some geometry. AB is equal to D upon cos beta,
from the triangle ADC. AD is equal to 2D 10 beta sine alpha, and or is equal to 2V 10 beta or N sine beta, because sine alpha upon sine beta is equal to N. And now we correct the terms, and finally we arrive at the situation which where gamma is equal to 2ND cos beta. Now there are two conditions. As we have seen, that a constructive interference occurs when the path difference is an integral multiple of lambda. So when 2ND cos beta is equal to NM lambda, we should have a constructive interference. And 2ND cos beta is equal to 2N plus 1 lambda by 2, or we can, or 2N minus 1 lambda by 2, or M minus half lambda, it will be a destructive interference. But now, situation here is different from what we see in the case of Fresnel's biprism or a simple path difference, is that there is a deflection or refraction or total internal deflection. These three processes, they are taking place. And what happens to the phase when a light beam is reflected or refracted or totally internally reflected? For this we have Stokes' laws, and the Stokes' laws are can be understood by the following illustrations. In the first case, that is on the top left, we have, suppose, a rope tied to a surface, and it is tied strongly tied, because so that it cannot move at its the tying point, जहाँ पर ये बंधी हुई है रस्सी, वहाँ से हिल नहीं सकती. तो इसमें अगर हमें वेव फॉर्म में एक झटका दे, तो वेव हम जो वेव होगी वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो जैसे ब्लू पैटर्न में दिखाया गया है, इसका जो शेप होगा वो बदल जाएगा. मींस इसके में एक पाई का फेज डिफरेंस आएगा. इसी चीज से हम इसी को लाइट में भी समझ सकते हैं कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है एक सॉलिड बाउंड्री से, जो वेयर N1 जो कि मीडियम है जिसमें रस्सी है, और N2 जिसमें ये बंधा हुआ है, तो उस केस में एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा. मींस जब रेयर मीडियम से लाइट और डेंस मीडियम पर रिफ्लेक्ट होती है, डेंस मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है, तो उस केस में एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा. लेकिन जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो उस केस में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता, मतलब रिफ्रैक्शन में कोई फेज डिफरेंस नहीं आता. और जब टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है, उस केस में भी कोई फेज परिवर्तन नहीं आता. तो इसका मतलब जब डेंसर मीडियम से कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है तो उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा. तो अब पुरानी फिगर में, जब उस पॉइंट पर जहां पर ये ए पॉइंट पर जो बाउंड्री है वो डेंसर मीडियम की है, तो लाइट एडी जब रिफ्लेक्ट होगी तो इसमें एक पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा. पाई का फेज डिफरेंस माने लैम्डा बाई टू पाथ डिफरेंस. जबकि बी पॉइंट पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा. और क्योंकि लाइट ए से बी तक जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसमें भी कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा, तो ओवरऑल फेज डिफरेंस जो कि रिफ्लेक्शन की वजह से क्रिएट होगा वो ए पॉइंट पर होगा, और ए पॉइंट पर जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई होगा, या पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई टू का होगा. इसकी वजह से कंडीशंस चेंज हो जाएंगे. इसका मतलब ये है कि 2ND cos बीटा, जहां पर कि नॉर्मल केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था, वो अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, और जहां पर
एन बीटा टू एन डी कॉस बीटा इज इक्वल टू एम माइनस हाफ लैम्डा, ये पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस था, वो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस बन जाएगा। हम इसके प्राकृतिक और जो एपरेटस या जो आजकल मॉडर्न डेवलपमेंट के टाइम पर जो हम चीज़ें देखते हैं उनमें हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे एक डीवीडी है, डीवीडी को आप उजाले में देखें तो डीवीडी कलर नजर आती है। इसका कारण जो है इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म है, जैसा कि हमने पहले देखा कि एक थिन फिल्म टी थिकनेस की या डी थिकनेस की थिन फिल्म, वो उसमें इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पर भी जो कलर ऑफ थिन फिल्म्स है वो वही कारण है इसके कलर दिखने का। कभी कभी हम देखते हैं कि सड़क पर बरसात के दिनों में पेट्रोल जो पड़ा रहता है उसकी कलर इस चकते और या कलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसका कारण भी कलर ऑफ थिन फिल्म्स है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि हमने जैसे बताया टू एन डी कॉस बीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, अब इसका मतलब ये है अगर मान लिया कॉस बीटा, इसमें दो फैक्टर्स है, एक तो डी, डी माने थिकनेस ऑफ द फिल्म, अगर थिकनेस ऑफ द फिल्म चेंज करे तो जो मैक्सिमा की कंडीशन है या मिनिमा की कंडीशन है ये अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग होगी। अगर मैं मान लिया कॉस बीटा को एक मानू, बीटा इज इक्वल टू जीरो मानू, कॉस बीटा एक है तो कंडीशन हो जाएगी टू एन डी इज इक्वल टू एम एम माइनस हाफ लैम्डा मैक्सिमा के लिए। तो अगर डी में बढ़ाऊं तो पहले लैम्डा वन के लिए डी सेटिस्फाई करेगी, फिर लैम्डा टू के लिए सेटिस्फाई करेगी, फिर लैम्डा थ्री के लिए सेटिस्फाई करेगी। तो अगर एक फिल्म ये यूनिफॉर्म थिकनेस की फिल्म नहीं है तो ये अलग अलग थिकनेस पर अलग अलग वेवलेंथ के लिए मैक्सिमा देगी, तो उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग हमें वही कलर दिखाई देगा। अगर मान लिया थिकनेस कॉन्स्टेंट है, जैसा कि नॉर्मली जैसे हम डीवीडी में या एक पेट्रोल की जो लेयर सड़क पर पड़ी है पानी बरसात के दिनों में पानी के ऊपर, तो उस केस में थिकनेस मान लिया कॉन्स्टेंट है तो हम देखते हैं कि लाइट जो है वो स्कैटर्ड लाइट है, बरसात में बादल है तो लाइट स्कैटर्ड रहेगी और हर डायरेक्शन से आएगी, उसके बाद रिफ्लेक्ट होके कुछ अलग अलग डायरेक्शन से हमारी आंख में पड़ेगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस देयर विल बी चेंज इन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय द फॉर्मूला साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सो with the change in the angle of incidence r beta will change and therefore cos beta will change and therefore it will satisfy different wavelengths for which light is coming at different angles. So if the light is coming from a particular point, suppose light is coming such that it satisfy the condition for violet color, then only the violet color will be seen but corresponding to that point. Similarly, it will happen for red color or violet color also, because we have two cos beta is proportional to m minus half lambda or m lambda, whatever it is, so that cos beta is a function of lambda. So therefore, for different lambda, the condition of maxima will change at four different angles and therefore the film will appear colored. So that's the reason we see colors of thin films generally. Now you see so many insects. ये आपको कितने कीड़े मकोड़े दिखाई देते हैं, इन कीड़े मकोड़ों में जो है ये कलर आपको दिखाई देते हैं जो कि बड़े खूबसूरत होते हैं। इसी तरीके से ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई आपको बड़ी खूबसूरत रंगीन अलग अलग कलर लिए हुए दिखाई देती है।
एक्चुअली देखा जाए तो कलर के दो कारण होते हैं, एक तो डाई या पिगमेंट होते हैं जो कि जैसे पत्तियों में है या आपके जो कपड़े रंगे जाते हैं ये डाई की मदद से रंगे जाते हैं, जिनका कि डाई का अपना एक विशिष्ट रंग होता है। लेकिन ये देखा जाए कि इनकी जो बटरफ्लाई के पंख हैं या जो इंसेक्ट्स के पंख मैंने जो बताए थे इनमें आपका कोई कलर नहीं होता, लेकिन इनके जो पंख होते हैं वो ये इस खास तरीके से बने होते हैं कि उनमें विभिन्न बड़े माइक्रो लेवल के ये माइक्रो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम जैसे रोए टाइप के दिखते हैं। ये माइक्रो स्ट्रक्चर्स थिन फिल्म्स का काम करते हैं और इन थिन फिल्म्स की वजह से जो सनलाइट इन पर पड़ती है उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक पर्टिकुलर कलर के लिए मैक्सिमम मिलता है और जिस स्पॉट से जिस पर्टिकुलर कलर के लिए मैक्सिमम मिलता है वही कलर दिखाई देता है। और ये नेचुरल एक उस नेचर का ही की एक खूबी है कि हमें इतने रंगीन कलर इंसेक्ट्स दिखाई देते हैं, इनका जिनका अपना कोई कलर नहीं होता लेकिन जो इनमें कलर आता है वो इंटरफेरेंस ड्यू टू बाय फिल्म थिन फिल्म्स आता है। तो थिन फिल्म्स के इंटरफेरेंस के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि सोर्स ऑफ लाइट जो होता है वो ब्रॉड होना चाहिए ताकि हमें डिफरेंट एंगल्स से जो लाइट आ रही है वो इस तरीके से पड़े कि डिफरेंट एंगल्स से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में पड़े एक साथ, तब हम डिफरेंट कलर्स को देख पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो हमें पेट्रोल की जो लेयर होती है वो अगर सब सारे इतने पॉइंट से नहीं दिखाई देती तो हमें शायद वो सारे कलर्स नहीं दिखाई देते। तो एक तो जरूरत होती है ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि थिन फिल्म की मोटाई कितनी होनी चाहिए। हम तीन केसेस लेते हैं। पहला केस लेते हैं जबकि थिन फिल्म की मोटाई बहुत कम है, मान लिया लाइट की वेवलेंथ होती है करीब सपोज ग्रीन लाइट की मैं 500 नैनोमीटर ले लूं और थिन फिल्म की मोटाई मेरी 50 नैनोमीटर है या 5 नैनोमीटर है जो कि लाइट की वेवलेंथ से बहुत कम है। कंडीशन ये है कि 2d इज इक्वल टू एन लैम्डा एक नॉर्मल इंसिडेंस के लिए जहां कॉस बीटा इज इक्वल टू 1 है, 2d इज इक्वल टू एन लैम्डा। अच्छा तो इस केस में डी अगर 5 नैनोमीटर है तो 2d बराबर होगा 10 नैनोमीटर, तो एन लैम्डा जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो 10 नैनोमीटर का आएगा। अब 10 नैनोमीटर का पार्ट डिफरेंस और लाइट की वेवलेंथ है 500 नैनोमीटर, तो 500 नैनोमीटर के लिए तो मतलब इस ऑर्डर की लाइट चेंज होना चाहिए जो कि 500 नैनोमीटर का है। 2d 10 नैनोमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर हम एक थिन फिल्म को रिफ्लेक्शन में देखें जो कि एक्सट्रीमली थिन फिल्म है और थिकनेस की वजह से पार्ट डिफरेंस सिर्फ 10 नैनोमीटर है, तो उस केस में जो टोटल पार्ट डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, पाई का, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द टू सर्फेसेस, एक अपर सर्फेस से एक लोअर सर्फेस से। जैसा मैंने पहले बताया कि जो अपर सर्फेस से रिफ्लेक्शन होगा डेंसर मीडियम से उसमें पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा तो हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अब 2D की वजह से कोई चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि 10 नैनोमीटर का कोई फर्क चेंज आएगा नहीं 500 नैनोमीटर के मुकाबले, तो हमें रिफ्लेक्शन में कोई भी थिन फिल्म जो कि एक्सट्रीमली थिन है वो डार्क दिखाई देगी। ट्रांसमिशन में वही कंडीशन चेंज हो जाएंगी, ट्रांसमिशन में वही ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी। अब अगर बहुत थिक फिल्म ले लें, सपोज हम 50,000 नैनोमीटर की फिल्म ले लें या 5 मिलीमीटर की थिन ले लें, तो उस केस में क्या होगा, उसकी फिल्म की थिकनेस इतनी ज्यादा होगी कि वो एक वेवलेंथ के लिए अगर मैक्सिमा की कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो दूसरी वेवलेंथ के लिए भी मैक्सिमा कंडीशन, जैसे 4,000 के लिए अगर सेटिस्फाई करेगी तो 6,000 के लिए भी कर सकती है, 5,000 के लिए भी कर सकती है, क्योंकि कई गुना ज्यादा है उसकी थिकनेस लाइट की वेवलेंथ से, 500 नैनोमीटर से कई गुना ज्यादा है, तो 5×7=40 हो गया, 5×7 या मतलब ऐसी
चार दशम 40 हो गया तो 4000 के लिए भी डिस्प्ले कर रही है, 5000 के लिए भी कर रही है, ऐसी 6000 के पास भी कर रही है। तो इस तरीके से हर वेवलेंथ के लिए मैक्सिमम सेटिस्फाई करेगी या हर वेवलेंथ के लिए मिनिमम सेटिस्फाई करेगी, तो वो हमें कलर नहीं दिखाई देगी, सिर्फ व्हाइट है तो व्हाइट ही दिखाई देगी। तो बहुत ज्यादा थिक फिल्म होगी वो अपने नेचुरल कलर में दिखाई देगी। और लाइट जो कलर्ड फिल्म्स हैं इनके लिए कंडीशन जरूरी है कि इनकी थिकनेस वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी हमें फिल्म्स कलर्ड दिखाई देंगे। अब एक एक्सपेरिमेंट, एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट जो कि थिन फिल्म्स में के सिद्धांत पर किया गया और जो कि वेवलेंथ ऑफ लाइट मेजर करने का भी एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, दैट इज न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में हम एक ग्लास प्लेट लेते हैं, प्लेन ग्लास प्लेट, और इस प्लेन ग्लास प्लेट के ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रखा रहता है जिसकी की कर्व सरफेस है वो ग्लास प्लेट की तरफ है। एक लाइट सोर्स लेते हैं जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर होता है ताकि हमें एक ब्रॉड सोर्स ऑफ लाइट मिल जाए, और ये जो लाइट है ये एक ग्लास प्लेट पर पड़ती है जो कि इंक्लाइंड होती है 45 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ग्लास प्लेट। तो जब लाइट रे ग्लास प्लेट पर पड़ेगी तो 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होगी और प्लेन ग्लास प्लेट पर नॉर्मली इंसिडेंट होगी, मींस द एंगल बिटवीन द प्लेन ग्लास प्लेट एंड द लाइट इज 90 डिग्रीज। अब लाइट प्लेन ग्लास प्लेट पर से की सरफेस से रिफ्लेक्शन इस तरीके से होगा, निम्न तरीके से। एक तो ग्लास प्लेन ग्लास प्लेट की ऊपरी सरफेस से होगा, सॉरी लेंस की ऊपरी सरफेस से होगा, उसके बाद जो लाइट ट्रांसमिट होगी वो लेंस की लोअर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद जो लाइट ट्रांसमिट होगी उस वो प्लेन ग्लास प्लेट की अपर सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा। अगर कंडीशंस इस तरीके की हैं कि अगर प्लेन ग्लास लेंस की लोअर सरफेस और प्लेन ग्लास प्लेट की अपर सरफेस से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है वो लाइट इस करीब करीब समान ऑर्डर की है, और ये जब रिफ्लेक्ट होने के बाद माइक्रोस्कोप के आईपीस पर पड़ रही है, सॉरी ऑब्जेक्टिव पर पड़ रही है, और उसके बाद ये आई पर पड़ रही है, तो हमें दो लाइट रेज मिलेंगी, एक तो लेंस की लोअर सरफेस से और दूसरी ग्लास प्लेट की अपर सरफेस। अब लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो हिस्सा बचा हुआ है वो है एयर का, नॉर्मली एयर यूज करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि इसकी थिकनेस चेंज हो रही है, इसकी थिकनेस सेंटर पर, इस जो बीच में एयर फिल्म बन रही है उस एयर फिल्म की सेंटर पे थिकनेस जीरो है, और जैसे जैसे हम लेंस के आउटर साइड में बढ़ते हैं थिकनेस बढ़ती चली जाती है, दैट मीन्स द थिकनेस इज इंक्रीजिंग एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंस सिस्टम इज इंक्रीजिंग। सो इन दिस फिल्म, इन दिस वे वी गेट ए फिल्म ऑफ चेंजिंग थिकनेस। सो दिस इज ए केस ऑफ वेज शेप्ड फिल्म, एंड दिस फिल्म इज एज वी सी दैट द लाइट इज नॉर्मली इंसिडेंट, सो वी हैव द कंडीशन टू एन बीटा अपॉन टू एन इज इक्वल टू टू एन डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। नाउ बिकॉज द फिल्म इज मेड ऑफ एयर सो वी हैव टू डी इज इक्वल टू एन लैम्डा। नाउ द कंडीशन इज that the upper surface, the lower surface plane, the light reflecting, which is reflecting from the lower surface, undergoes a reflection from a denser media.
whereas the light reflected from the lower lens surface undergoes a reflection from a rarer medium, which is total internal reflection. So there will be a change of pi from the lower glass plate, whereas there will be no change from the lower lens surface, the reflection corresponding to the lower side of the lens surface. And therefore, there will be an additional change of phase change of pi. So the conditions will change. That means 2d is equal to n minus half lambda will be the condition for maxima, and 2d is equal to n lambda will be the condition of minima. So we see here the Newton's ring, the shape of the Newton's ring, which we see in the vision of the microscope. Now, I shall describe the theory of the Newton's rings. Suppose we have the nth ring at a distance of r. Now, as we can see from the shape of the ring, the center has a phase difference of pi, as I told you, because of the phase difference arising due to reflection, and therefore the center will be dark. Then the first ring will be bright, and then dark, then bright, depending upon 2d is equal to n lambda. So that lambda, if lambda is the wavelength of light, and for if it satisfies the condition that it is equal to m lambda, we get dark. If it is equal to m minus half lambda, the thickness 2d, then in that case we will get a bright ring. And suppose r is the distance or the radius of the nth bright or dark ring. Suppose it is a dark ring. So we see that a light ray which is reflected from the lower lens surface and the light ray which is reflected from the glass plate will have a path difference, as we can see. And the path difference will be equal to, if that is double of that, nearly this is equal to double of the thickness, as we have already calculated 2t is equal to n lambda. Now, if r is the radius of curvature of the lens, and let x be the radius of the Newton's rings, which is here it is written as r, then we have this r, the distance from the center to the center of the glass, the up to thickness t, this will be equal to r square minus r square, and because d is equal to r minus r square minus r square, we can expand this the second term within the square root, and we approximately get this is of the order of 1 upon r square of r. A simple mathematics, you can do that. Now, for a bright ring, 2d mu is equal to n plus half or n minus half, the same thing. And or we substitute the value of d is equal to r square upon r, and therefore this is equal to this much. So r bright is for n plus half r lambda upon mu, or this is equal to r mu, r mu, and n plus half, the same thing. And we see that it is proportional to square root of n. If we take n or n plus n is higher, then it is n r lambda. Or for a dark ring, and for a dark ring, we get 2d mu is equal to n lambda, or that is r dark. The radius of the dark ring is proportional to square root of the natural number n, where n is 0, 1, 2 or so. So we see that the radius of the ring is proportional to the square root of natural numbers,
and then it is also proportional to the square root of the wavelength, and it is also proportional to the radius of curvature of the lens. So this is the shape of the Newton's rings which we see in the Newton's ring experiment. And we see the dark, the central ring is dark, followed by a bright ring, then dark, then bright, which satisfying the conditions as we discussed earlier, and therefore we get a pattern of this type. Now, this Newton's ring experiment can also be used to determine the wavelength of light, as we have seen the formula is for R dark is equal to nR and mu. Now, the diameter d dark will be equal to 4nR. If we multiply it by 2, the dark, the diameter of the dark ring will be square root of 4nR lambda mu. Now, if R is known and n is known, n is in this case, if it is air, then it will be 4r lambda mu. And n is the order of the ring. So if n is known, the order of ring which we can measure from the center, and r is known, the radius of curvature of the lens, we can, by measuring the radius of the ring or the diameter of the ring, we can find out the wavelength of light. So this is a very good experiment which can be used to determine the wavelength of light. And second is the measurement of the refractive index. We see that 2d mu is equal to n lambda. Now, if we take, in the first instance, we take air, it is 2d is equal to n lambda. And in the second instance, when suppose we insert a oil drop between the lens and the glass plate, we need a very small amount of oil. And we see that the condition 2d mu is equal to n lambda will change, and therefore the corresponding r dark, the radius will change. So the radius will change, and with the help of the change in the radius, we can find out the, as we put an oil drop, we will see that the radius of the particular ring decreases. And from the ratio of the radius of the ring in air with the ratio of the radius of the ring in oil, we can just calculate the refractive index of the ring. So it is a very an important experiment which we can make with the help of the phenomena of interference by division of amplitude. Now we come to Heringer's fringes. Newton's fringes or Newton's rings, they are called the fringes of equal thickness. Why? Because corresponding to a particular thickness, we get a particular type of ring. That is, if at a distance of t, we are getting a dark ring, that at a distance of t plus half lambda, we will get a bright ring. So for a particular ring, the thickness must be constant. That's why they are called the fringes of equal thickness or the Fizeau's fringes. Now there are, as we see that the formula is 2 mu t is equal to 2d is equal to 2d cos theta is equal to, or cos beta is equal to n lambda. Either we can change d as we do in the case of the Newton's rings, or we can change cos beta. That means the ring corresponding to a particular angle, that will be constant, we are getting the Heringer's fringes.
or the fringes of equal inclination. If they are inclined, a particular ring corresponding to a point at a distance of a radius r, all the points forming a particular ring will have equal inclination with respect to the zero or the center of the circle. And therefore, the ring which we are getting at that particular distance, that will be a fringe of equal inclination, which is normally known as the Hedinger fringe. Now, we have the experimental device which is based on a Michelson interferometer, is the case of Hedinger fringe. Interferometer. Michelson interferometer is one of the most accurate devices to measure the wavelength of light. As I told you, measurement of light is very important, otherwise we don't know what wavelength of light has, what wavelength of light red color has, what wavelength of light blue color has, unless we measure the wavelength. And there, this is one of the quite accurate methods of measuring the wavelength of light. In the Michelson's interferometer, as in the Newton's ring, we take a broad source of light and we get a focus beam of light that is incident upon a glass plate which is semi-silvered. Semi-silvered, that means part of the light is transmitted in its own direction after a small refraction inside the glass plate, and the light ray which is reflected from the lower surface of the glass plate goes to one mirror which is a movable mirror. Movable means it can be adjusted, tilted, so that it becomes the angle it can be changed, or it can be moved to and fro, that means towards the glass plate or away from the glass plate. So the light is divided into two beams. Now one beam is going to the movable mirror, another beam is going to the fixed mirror. Fixed mirror is fixed and in such a way that the light reflected from this is normally reflected back in the same direction. So we have a fixed mirror and a movable mirror. Now the movable mirror is fitted with a screw, micrometer screw, which is accurate up to 10 to the power minus 5 centimeters, or it can measure the distance up to 10 to the power minus 5 centimeters. So it can be moved up to an accuracy of 10 to the power minus 1 into 10 to the power minus 5 centimeters. There is a compensating plate. As we see that the first plate, that is the semi-silvered plate, is the light ray travels twice during its transition from to movable mirror M1. So we average the light ray which is reflected from the fixed mirror is not passing through the light beam. To compensate this effect, we use a compensating glass plate which is inclined in the same angle as this coated, silver coated glass plate, and the compensating glass plate is used to neutralize the effect of the glass plate, and therefore the beam is divided into two, again reflected in the direction of I or the observer, and the one light is reflected from the movable mirror M1, another light is reflected from the movable mirror M2, and they meet in the eye and produce the interference if there is a part difference between them. So now we can see that if the mirrors M1 and M2 are exactly perpendicular, then we will see the light rays which an observer sees, they are coming from the same direction as
from the direction of the movable mirror M, and he will see that the two mirrors are exactly parallel to each other. Although they may be at some, the distance between them will be different depending upon the difference between the fixed mirror M, the M2, as well as the movable mirror M1. Now we see the images will be like this. The mirrors will act as two parallel mirrors M1 and M2. Now a light ray which is incident, suppose from the circle, which makes the angle corresponding to the circle as we see on the left side of the left rectangle, we see the circle. So all the light rays which are going to the direction of the mirror from this point and making equal angles, now there will be some of that will be reflected from the mirror M1 and some will be reflected from the mirror M2. So they will form images. The distance between the mirrors will be doubled, so it will be 2D, and we have the two circles which are separated by a distance of 2D. Now the light from both these circles that is reflected back to the observer, and when they meet the observer, they will create a path difference, and because of the path difference we have the constructive and destructive interference. If now the condition is that both the mirrors are the light is reflected from the denser medium, and therefore there will be equal change in the phase, and or we can say there is no change in the phase. And if there is no change in the phase, then in that case we have the condition for maxima is 2d is equal to n lambda, and for minima is equal to 2d is equal to m plus half lambda or m minus half lambda, it is the same, because the change of lambda that does not change the conditions. So this is the way how we get the interference in the case of Michelson's interferometer. And now corresponding to this circle on the left side, on the right side, the circle is formed. All the angles, all the points, they are corresponding to the same angle with reference to the center, and therefore all the points with respect to the same angle will have the same conditions of interference. And if it is maxima for one point, it will be maxima for all the points, and therefore we will have if it is constructive interference, we will have a constructive interference corresponding to the ring, and similarly for the minima. So we will get concentric rings in the case of Michelson's interferometer, provided that the two mirrors are perfectly the perpendicular, or the image of one is perfectly parallel to the image of other. Now what happens if we change the movable mirror toward or flow towards the semi-silvered glass plate? So as we have the condition 2D is equal to n lambda. Suppose considering that at the center 2D cos beta is equal to n lambda, at the center cos beta is equal to 0. So for the center 2D is equal to n lambda. As d changes and a monochromatic light is used, first we have this is equal to n lambda, then suppose that we are increasing to d2 is equal to n plus half lambda. When it is n plus half lambda, we will get dark destructive interference. Then again when it is n plus 1 lambda, we will get bright. So as we are changing the movable mirror, we will get consecutive dark or bright rings at the center. Now if we are moving it away from the semi-silvered surface, in that case we will see that new rings will appear from the center. Or if we are moving it
towards the semi-silver glass plate, we will see that the rings are converging at the center. So we will have, because the change in the order, for a particular thickness, if we have 2d cos beta is equal to n lambda. Now, because for a particular thickness, d is constant, so we have cos beta. The central ring will have cos beta is equal to 1. And as we go towards the outer rings, the cos beta will increase and cos beta will decrease. So the maximum order ring will be at the center, and as we go away from the center, we will go to get the lower order rings. This is the case reverse to the case of the Newton's rings. In Newton's rings, the central ring is of highest order, and lowest order. Whereas as the thickness changes, the order increases. In this case, the central ring is of highest order, and the rings on the outer surfaces, they are of lower order. So this is how we see this with the help of a laser, helium neon laser, the photograph taken, and we see in comparison to the Newton's rings experiment, the rings here are much sharper. And as we know that we can move the micrometers to up to 10 to the power minus 5 centimeters, which is larger than the wavelength of light, we can measure the wavelength of light to the decimals. Say it is 235.9 nanometers or 8 nanometers or so. As you can calculate that it is goes to 10 to the power minus 5 centimeters, and therefore the wavelength of light can be measured to decimals. So this is the example of the Michelson's interferometer. I shall talk of some other variants of Michelson interferometer after some more slides. Now we come to another example, which is the case of multiple beam interferometry. In the Newton's interference, as we have seen in the case of Michelson's interferometer or Newton's rings or interference by thin films, we have seen a sort of double beam interferometry. A beam of light is being divided into two components, one which is observed after entering the thin film, and another which is reflected directly from the thin film. Now what happens if we take a system in which there are a large number of reflections taking place within the thin film or thin glass plate or whatever we see, that then we see from every surface part of light is reflected and part of light is refracted, and we get a large number of beams in the reflected beams, and when they meet they will produce interference depending upon the power difference between successive beams. And therefore, this type of interferometry is called as multiple beam interferometry. Here we can have an example. This is a particular type of etalon, which is known as the Fabry-Perot etalon, or sometimes we also call it Fabry-Perot interferometer. In the case of etalon, the thickness d between the two mirrors is constant, whereas in the case of interferometer, this can be varied. As we have a broad source of light, extended source of light, put in front of a lens so that we get a broad source of light, and that is incident upon the mirror. Now in the etalon, there are two highly silvered mirrors polished in opposite faces, means the inside faces of both the mirrors, they are polished, highly polished.
so that a very small amount of light can enter the mirrors. So if a light beam is entering the mirror, then it undergoes a multiple reflections inside the glass plate, as shown in the figure. Some of the light is reflected back towards the direction of the source, and some of the light is transmitted towards the direction of the lens, focusing lens, which focuses it at a point on the screen. Now we see that if angle is theta, we see there a successive change in the path difference between the rays reflected from the different positions of the mirror. And therefore, because of the path difference, the path difference between two successive beams will be constant. So, now, I'm sorry that I have to write it because I couldn't type it. Anyway, suppose we have such a case of multiple beam interferometry. Now, let R and T be the fractions of intensity for reflected and the transmitted waves. Suppose a light beam enters the lower surface at an angle theta. Part of it is transmitted, and the amplitude of transmission is, if transmission coefficient is T, the amplitude will be the square root of T. So the amplitude of the transmitted light is square root of T. Now it is again transmitted from the other surface, so the amplitude will be square root of T multiplied by square root of T, so that it will be T times. And the reflected beam from this surface will be square root of R multiplied by square root of T. Then again it will be R square root of T, and finally when it emerges out of the lens, the mirror system, it will be RT. And similarly the third one is R square T and R to the power cube T and so on. What will be the phase difference between T1 and T2? The phase difference between T1 and T2, between successive rays, is will be equal to 2 pi by lambda into 2d cos theta, as we have seen earlier, and therefore this is the phase difference. Now suppose let the first beam is represented by E is equal to E0 t, the light beam is represented by E is equal to E0 e to the power I omega t, where I e to the, so therefore the first beam is E1 is equal to, suppose, E0 t e to the power I omega t, because it is multiplied by the transmission coefficient. The second one will be t r e to the power I omega t minus delta, because delta will be the path difference between the two beams. The third will be e to the power I omega t minus 2 delta, and successively. Now, the resultant at the point P on the screen will be the sum of all these light components which are reaching there, and therefore it is E1 plus E2 plus E3 and so on, and therefore it will be, we take common E0t e to the power I omega t r plus e to the power minus I delta plus r square e to the power minus 2 I delta and so on, and this can be given by the expression E0t e to the power I omega t divided by 1 minus r e to the power minus I delta. So the resultant intensity E is equal to E multiplied by its complex conjugate. So E to the power, if for the complex conjugate, I omega t will be replaced by E to the power minus I omega t, rest will remain same, and we can see that this will be can be given by the expression as shown in the slide, or this can be solved to I0t square 1 minus r square cos square delta plus r square sin square delta is equal to I0t square 1 minus r square this one, or this will be equal to t square into 1 upon 1 minus r square I0 upon 1 plus 4 r upon 1 minus r square sin square delta by 2. Now we can discuss the conditions. For we can see from that expression, for maxima, sin delta by 2 is equal to 0, or delta by 2 is equal to n pi,
or delta is equal to 2 n pi, and therefore for I max the intensity will be as we see this this will be equal to T square upon 1 minus R whole square. You can solve it, and for minima it is 2 n plus 1 pi by 2, and therefore this will be equal to T square upon 1 plus R whole square. And therefore I you can write down for I max, if you write down T square I 0 upon this much, I is equal to I max upon 1 plus F sine square delta by 2, where F is equal to 4 R 1 minus R whole square. Now we see F is known as the coefficient of sharpness. The coefficient of sharpness means that if F is larger, larger will be the sharpness of the ray, which I will show. In the figure, we can see the sharpness. The sharpness is given by the half width. If the half width is less, as we see in the case of R is equal to 95%, we will get a very sharp ring. And as this is increasing, the reflection coefficient is decreasing, we get the rings becomes more and more blunt. And therefore, we see that in the case of R is equal to 4%, we don't see two rings separate even. But as we see for R is equal to 95%, we see that there is the sharpness of the rings increases. And this is the quality for which this Fabry-Perot etalon is known as. Because we get such sharp rings that interference pattern, in the interference pattern corresponding to the two very close wavelengths, we get separate rings. So we see here, suppose these are the rings of the Fabry-Perot interferometer, and we see the very weak rings at the middle of the dark and bright ring, and this is corresponding to the light of different close wavelength. So even a close wavelength light, which in the case of the Michelson's interferometer will resemble with the maxima or minima, in this case that shows its own impression, and so it is used to measure the wavelength more correctly than in comparison to the Michelson's interferometer. And it can also measure the difference in the wavelength of light with respect to the Michelson's interferometer. So this is the advantage of the multiple beam interferometry, that as in the case of this, the rings are more and more sharp.